हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत पौराणिक कथा। जिस तरह हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है, उसी तरह लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांध कर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत वध रावण वध से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्षों से सोया ना हो। जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 12 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 12 वर्ष तक सोए ना हूं, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए? लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत गए, तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों की बिछिया के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर
बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे धरेगी। आपको याद होगा, राज अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 वर्ष अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई तो 7 दिनों के हिसाब से फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7ों दिनों में फल आए ही नहीं। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरा, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा, जिस दिन रावण ने हमें सती मारी। सातवा, और जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इस पौराणिक कथा को सामाजिक माध्यम सोशल मीडिया द्वारा लिया गया है। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।